हे गाइस, कैसे आप सभी? तो गाइस, आप 8:30 बजे वाला तो आप टेस्ट दे ही रहे हो। अभी जो आपका क्लास आ रहा है वो सिर्फ शाम में 8:30 बजे एक टेस्ट आता है, ठीक है? लेकिन अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? और कुछ दिनों से मैं इस पर काम कर रहा था। जो बिहार SI वाले हो, जो बिहार SI मेंस वाले हो, ठीक है, उसके लिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ खास करना चाहता था, कुछ अलग से उनके लिए सेट लाना चाहता था, ठीक है? तो अभी जो आपका सेट एक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये नोटिस उसी के लिए इन्फॉर्म करने के लिए है, ठीक है? आपका 50 क्वेश्चन का एक सेट मैंने बनाया है, ठीक है? उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन, ठीक है? और ये जो सेट होगा ये आपका पर डे कब आएगा? ये आएगा 1:30 में, 1:30 दोपहर में, ठीक है? 1:30 PM पर आएगा आपका ये सेट पर डे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टाइम मैंने दिन में क्यों चुना है, ना तो सुबह मैंने चुना ना शाम में चुना, दिन में क्यों चुना? क्योंकि इसके अलावा भी और भी क्लासेस है जो मैं आपके लिए अब अरेंज करवाने वाला हूँ, ठीक है? हो सकता है उसमें कुछ डिले हो जाए, अगले वीक से आपका चालू हो। सुबह जो आपका आता था, आपको आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग ज़्यादा दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा, सुबह आपका 7:30 में आता था वन लाइनर, ठीक है? 7:15 या 7:30 में आता था वन लाइनर, ठीक है? क्या आता था? वन लाइनर, ठीक है? ये जो वन लाइनर था ये बहुत सारे बच्चों को इसने बहुत हेल्प किया है, ठीक है? आपका इसमें देखो, यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे आपने जो याद कर रखा है वो आपको रिवाइज करने का मौका मिलता था। अब 4 ऑप्शन में क्या होता है कि आपको तुक्का लगाने का मौका मिल जाता है, आप रिकॉल नहीं करते हो, और जब वो ऑनलाइन आ रहता है तो स्पॉन्टेनियसली आप अपने दिमाग पे जोर डालते हो, और आपको अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आंसर बताता हूँ तो आपको याद हो जाता है, ठीक है? तो इसको याद करके रिवाइज करने में ये बहुत बड़ा हेल्प करता है आपका, ठीक है? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा था और अगर एक दिन में उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो दूसरे दिन आप क्या करो, उसको फिर से प्ले करो, थोड़ा सा स्पीड तेज कर लो, ठीक है? 15 से 20 मिनट का ये होता था, स्पीड तेज कर लो, और उसके बाद मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर करते जाओ। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आपका 8:30 बजे वाला जो टेस्ट है ये तो चलता ही रहेगा। अभी आप देखो, मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ, कल तो ये नहीं आएगा, हो सकता है ये अगले वीक से आए, इसलिए मैंने आपका जो मेंस का टेस्ट है उसको मैंने 1:30 में रखा है। कब? 1:30 PM पर, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके बिहार SI मेंस के लिए, प्लस जो BSSC वाले हैं, ठीक है, BSSC मेंस वाले हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और इसमें क्वेश्चंस रहेंगे 50, तो आपको पर डे ये लगाना है। जिस किसी को भी ये सेट लगाना है, या आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये नहीं पता है और वो मेंस के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं, तो उन सभी को बता दो ये सेट कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें आपका सब चीज़ रिवाइज होगा, GK के साथ साथ करंट अफेयर्स भी प्रपोजल में मैं डालूंगा, ठीक है? तो आपका ओवरऑल अभी से लेकर एग्जाम तक आपका रिवाइज होता रहेगा। और जहाँ तक एग्जाम डेट का बात है तो आप सभी को पता है, जैसे BSSI का मेंस होने वाला था 26 अप्रैल को, लेकिन अब वो कैंसिल हो चुका है, अब तो आपका होगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जो अभी आपका एग्जाम होगा वो मई में भी नहीं होगा, वो जून में होगा, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है? हो सकता है आपका मई लास्ट में ले ले, लेकिन नहीं लेगा, जहां तक मेरा अनुमान है कि मई में जो भी आपके एग्जाम है वो भी कैंसिल होगा। यानी बिहार ESI का जो PT का एग्जाम है ये भी मई में होने वाला था, लेकिन संभवतः ये शायद ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो मोटा मोटा आप एक तरह से मान लो, अगर मई में होना भी होगा तो लास्ट मई में या जून में, मोस्ट प्रोबेबली जो भी एग्जाम है वो सब पोस्टपोन होकर जून चला जाएगा, क्योंकि मई में ये जो COVID-19 का खतरा है ये खत्म होने वाला नहीं है। एक बार लॉकडाउन टूट जाए उसके बाद आप देखोगे ओरिजिनल नंबर, क्योंकि अभी पता है हमारे यहाँ पे जितने लोग पढ़े लिखे हैं ना, उससे ज़्यादा लोग वो पढ़े लिखे वाले मूर्ख हैं। एक तो जो अनपढ़ हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो उनसे भी गए गुजरे होते हैं, इनको समझाना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है? इस कारण से अभी देखो, 3 तारीख को आपका जो लॉकडाउन टूटने वाला है, 3 तारीख के बाद जो केसेस होंगे, अगर जैसा चल रहा है इसी तरह से चलता रहा तो 3 तारीख के बाद रैपिडली बहुत तेजी से केसेस बढ़ेंगे, और फिर से सरकार को हो सकता है लॉकडाउन करना पड़े। तो अभी भी टाइम है, अगर लोग सुधर गए
तो 3 तारीख तक आपका कंडीशन सुधर सकता है, नहीं तो और बिगड़ेगा। इसलिए जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये मई में आपका नहीं होगा, ये जून के बाद ही होगा। तो आपके पास अभी पूरा पूरा 1 से 1.5 महीना है और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। आप सब पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा और आगे एक लेवल आगे जाके करना है। तो ये 3 क्लासेस आपके रेगुलर होंगे, ठीक है, सुबह वाला, दोपहर वाला और रात वाला, ठीक है। तो कल से आपका मेंस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी जरूर आओ। जिसको नहीं पता है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, उसको इन्फॉर्म कर दो और कल से सभी कोई सब कोई आओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप कल के टेस्ट में।